की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं एडवोकेट बीपी वैष्णव चीफ लीगल एडवाइजर हूँ फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पास दूसरे मीडिया तो नहीं आते हैं, लेकिन आपके अथक प्रयासों से हमारी आवाज़ कहीं ना कहीं सरकारी कानों तक जरूर पहुँच रही है, पब्लिक में पहुँच रही है, हमारे साथियों में पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए। आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, किन मुद्दों को लेके आप लोग आज यहाँ आए हैं और किस प्रकार से आगे की रणनीति है? मैडम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये तो आज हम इकट्ठे नहीं हुए जी। हम आपको पता है कितने दिनों से आज हमारा 128वां दिन आज हमारा जंतर मंतर का है। ये एक सांकेतिक धरना है जो 20 फरवरी से चला आ रहा है। यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी वेटरन्स की एसोसिएशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर, सभी लोगों ने एक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन बनाया है, जो ये आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं नुमाइंदे उसी के ही सब हैं। बागपत से अभी हमारे राठी साहब यहाँ आए हुए हैं, यादव साहब आए हुए हैं, ये भी सभी आपको इंटरव्यू देंगे और सब बारे में बताएंगे। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होने वाला, जैसा कि मैडम ने पूछा, 2 जुलाई को, हालांकि संडे है, लेकिन संडे हमने क्यों चुना? संडे हमने इसलिए चुना कि सभी लोगों की छुट्टी होती है। मोस्टली जो वेटरन्स हैं वो अभी कार्यरत हैं, वो नौकरियाँ करते हैं, जिला हेडक्वार्टर्स जहाँ भी हैं उन पर सभी लोग एकत्रित हों और वहाँ पर अपने बैनर्स और विज्ञापन के साथ में हम लोग वहाँ एक रैली करें और भूख हड़ताल हमारी रहेगी 4 बजे तक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कौन आदमी आता है या नहीं आता ये हमारा काम नहीं है, ये उनका देखना है। अगर हम वहाँ पर हैं, हमने परमिशन ली है, तो अथॉरिटीज़ को भी वहाँ आना चाहिए। और हम आशा करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या तो DM साहब, EDM साहब या उनका कोई भी नुमाइंदा आए और हमारा जो ज्ञापन है उसको वो लेंगे और हमारी मांगों को आगे प्रधानमंत्री और ऑनरेबल रक्षा मंत्री तक पहुँचाएंगे। इससे पहले भी आपने एक ज्ञापन सौंपा था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय को और उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया और इस बार आप भूख हड़ताल का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने वो ज्ञापन आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसकी कॉपी उन्होंने हमें दी है। लगभग सभी जिला हेडक्वार्टर से जो कॉपी हमने दी थी, उन्होंने लेटर हमको दिया है कि आपका जो ज्ञापन था वो हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति महोदय को और रक्षा मंत्री जी को भेज दिया है जी। और इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया है, परंतु हम अभी इंतजार कर रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि सरकार हमें बहुत जल्दी ही वार्ता के लिए बुलाएगी। और अगर सरकार हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो अभी हमारा 23 जुलाई को एक यहाँ पर फिर हम एक मीटिंग करने जा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग आएंगे और एग्जीक्यूटिव कमेटी ये डिसाइड करेगी कि आगे अब क्या हम स्टेप लें। एक काम सुनने में आया है कि आप लोग जेल भरो आंदोलन दोबारा से चलाने की तैयारी में चल रहे हैं। अगर जरूरत महसूस हुई जी। तो देश के जवान जिन्होंने अपने जीते जी और सेवा में, सेना में रहते हुए जो देश के लिए सेवा की, जहाँ पर अपनी छाती को दुश्मन के सामने रख दिया और दुश्मन से मुकाबला किया और भारत माँ की सेवा की, अगर जरूरत पड़ी और अगर सरकार ने हमारी ये बातें नहीं सुनी तो डेफिनेटली हमने एक बार पहले भी जेल गए हैं, लेकिन हम बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हम जेल भी जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं जेल जाने के लिए। यदि आंदोलन जीवी का टैग दिया जाएगा आप लोगों को, देशद्रोही, खालिस्तानी, उससे भी भय नहीं? सॉरी मैडम, मैं आपको ये वर्ड यूज करते हुए क्षमा चाहता हूँ। हम इस देश के सैनिक हैं, बहुत ही अनुशासन के अंदर में हम रह के काम करते हैं और अभी तक हमने काम किया है। आप मुझे बताइए, आज 128वां दिन हो गया, 127 दिन तक क्या आपने कोई भी हमारा स्टेप या कोई भी हमारी स्पीच ऐसी देखी जो लोकतांत्रिक नहीं है या हमारे संविधान के दायरे में नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा। अगर कोई आदमी ऐसा कहता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है, वो कह ही नहीं सकता। बिकॉज हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो कोई भी मीडिया या कोई भी इंडिविजुअल ये कहे कि हम कोई भी लोकतांत्रिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान के दौर में कुछ ऐसी तस्वीरें आती है कि आंदोलन करने वालों को इस प्रकार के नामों से संबोधित किया जाता है, यदि आप लोगों को भी इन फ्यूचर ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा तो क्या करेंगे? नहीं मैडम, हमें पूरा विश्वास है कि हमें सरकार कभी भी इस नाम से संबोधन नहीं करेगी। बिकॉज हमारी जो मांगे हैं, इससे पहले जब हम मिले हैं, रक्षा मंत्री से मिले हैं, प्रधानमंत्री PMO में मिले हैं, सेक्रेटरी लेवल पर मिले हैं,
उन्होंने हमारी बातों को समझा है, उन्होंने ये माना है कि यस विसंगतियां हैं, डिस्पैरिटीज हैं। अभी जो ब्लैक लॉज जो अभी जो थे अंग्रेजों के टाइम के, वो अभी भी आर्मी में प्रिवेल हैं, जिसकी वजह से हमारे जवान को जो एक डेमोक्रेटिक राइट मिलना चाहिए, क्योंकि जवान लड़ने के लिए वहाँ गया हुआ है, लेकिन वहाँ जवान को एक ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी जाती हैं कि उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो पर्सनल काम करे। इन सब बातों का संसद में भी कई बार जो है वो मुद्दा उठ चुका है। तो हमारी जो बातें हैं वो कोई भी अलोकतांत्रिक नहीं है। अच्छा सर, 2 जुलाई को आप लोग जो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भूख हड़ताल करने वाले हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं उनसे? बिल्कुल तैयारियाँ चल रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी, और सभी लोग वहाँ एकत्रित होकर अपने प्लान कर रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में लोग पहुँचेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से पहुँचेंगे, विद परमिशन वहाँ धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अच्छा, उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर एक बड़ी संख्या में जो डीएम है या फिर कहीं पर डीसीज होते हैं वो लोग परमिशन देने से मना कर देते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी हमें मना करेगा। अभी कई जगहों से हम परमिशन ले चुके हैं, हमें कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से परमिशन मिल चुकी है, और आने वाले जहाँ भी हम जाएंगे मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मना करेगा। अच्छा, आप लोगों के तमाम और भी प्रोग्राम्स हैं जो जुलाई के महीने में होने वाले हैं, एक बार आप सभी के बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी हम 2 तारीख के बारे में बात करें, बिकॉज हमारे सामने 2 तारीख नज़दीक आने वाली है, संडे का दिन है, और उसके बारे में फिर यादव साहब बैठे हैं, राठी साहब बैठे हैं, भी आप कुछ बताएंगे। और हमारे जो प्रधान जी हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौर जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी अरविंद तलवार जी, वो आपको डिटेल में इंटरव्यू देंगे इस मामले में। और मैं तो यहाँ जंतर मंतर पर अपने सभी साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए और यहाँ ये देखने के लिए आया था कि हमारे साथियों के लिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, खाना पीना व्यवस्था सब ठीक चल रही है? बिल्कुल जी, हमारा एक सांकेतिक हमारा धरना है, तो आप ये अब अंदाज़ा मत लगाइएगा यहाँ पर 100 सैनिक हैं, 50 सैनिक हैं, 1000 नहीं है, 500 नहीं है, सरकार हमारी आवाज़ नहीं सुनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को ये पता है कि हमारा सांकेतिक धरना कंटिन्यू है 20 फरवरी से। अच्छा एडवोकेट साहब, अभी 6 तारीख को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लीग जो है उन्होंने भी देशव्यापी कॉल दे रखी है, ठीक है, उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। कोई भी एसोसिएशन वेटरन्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, हमें किसी के प्रति कोई इल फीलिंग नहीं है, वो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। वो कॉल करें, जवानों के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं, हम भी पहुंचा रहे हैं, वही काम वो कर रहे हैं, और भी बहुत ऐसी फेडरेशन हैं जो ये काम कर रही हैं, और हम सारे मिलकर के सरकार के कानों तक अपनी डिमांड पहुंचाना चाहते हैं कि जो भेदभाव है, पैसा नहीं है, हमें पैसा कम कर दीजिए, वी आर नॉट बिहाइंड द मनी। हमें जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है विद इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, हम उससे बहुत आहत हैं, हम नहीं हमारी फैमिलीज हम उससे आहत हैं। चाहे वो कोई भी सर्विस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, कैंटीन सर्विसेज हैं, और जो भी बहुत सी सर्विसेज हैं, डीजीआर की सर्विसेज हैं आफ्टर रिटायरमेंट, बहुत ऐसी जहां रिटायरमेंट के बाद भी बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझता हूं वेटरन्स में कोई ऑफिसर का या जवान का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हम सुविधाओं को देखते हैं, जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं, तो वहां भी हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, जो लोगों में बड़ा रोष है, वो नहीं होना चाहिए। हम जो खत्म करने के लिए सरकार से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि ये भेदभाव जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। जो जवान हैं वाइल इन सर्विस और आफ्टर रिटायरमेंट, उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक हीन भावना आ रही है, वो लोग बड़े आहत हैं कि आज इतने साल के बाद भी, जैसे अंग्रेज पहले भारतीयों को जवान रखते थे, वो खुद ऑफिसर रहते थे, तो इंडियंस को सेकंड क्लास सिटीजन वो मानते थे और इसी हिसाब से वर्ताव करते थे। आज भी वही वर्ताव मोर और लेस आर्मी में तो जरूर हो रहा है, एयरफोर्स में नेवी में वो नहीं है, लेकिन आर्मी में आज भी वो सिचुएशन प्रिवेल हो रही है, और जिसकी वजह से हमारे जवान सुसाइड भी कर रहे हैं, और ये बिल्कुल विद इन नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट है, ये मुद्दा संसद में उठ चुका है। तो हमारा यही मानना है और हमारा यही अल्टीमेट पर्पस है कि हम ज्ञापन दे करके एक मीटिंग करें गवर्नमेंट के साथ, और सारी की सारी इन बातों से अवगत कराएं कि आप इन पर एक विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम में इन पर एक्शन लीजिए। गवर्नमेंट मना नहीं करती, उन्होंने हाँ की है कि ये विसंगतियां हैं, हमें को दूर करेंगे। फेडरेशन के जो लीगल मामले हैं उन्हें देखते हैं जी। अभी एक खबर आई कि पहलवानों ने बोला, जवानों की जगह मैं पहलवान बोल रहा हूँ जी जी जी, पहलवानों ने बोला कि अब हम सड़क की जगह कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
सर देखिए आपके जैसे तजुर्बे वाले वकील हैं फेडरेशन के पास, सड़क छोड़कर कोर्ट में लड़ी है ना सर? कोर्ट में लड़ाई हमारी जा रही है, कोर्ट में लड़ाई हमारी चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कोर्ट में कि दो तीन ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिन्होंने एंटी एडवांटेज यहाँ लिया। जैसे वन रैंक वन पेंशन का मैं नाम लूँ तो ऑफिसर्स रैंक ऑफिसर्स पेंशन बन के वो रह गई, तो ऑफिसर जो लॉबी है वो अपना पक्ष वहाँ ऐसा रख देते हैं कि वो मिस रिप्रेजेंट करके कोर्ट को गुमराह कर देते हैं, सरकार को गुमराह कर देते हैं। तो हमारा एक ज्ञापन देने के का जो पर्पज है वो ये है कि हम उनको ये सारे फैक्ट से अप्राइज करना चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन किसके लिए बनी थी, वो कौन उसमें बेनिफिटेड होना चाहिए, कौन हो गया। ये पैसा गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने अपना काम किया, अपना प्रॉमिस किया, पूरा किया, लेकिन उस पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें इतना बड़ा भेदभाव हो गया कि पॉलिसी मेकर जो है उसमें जवानों की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उसमें सारे सारे ऑफिसर्स लॉबी थी, और उन्होंने इस प्रकार से उसको टेबल्स बनाई, मैनिपुलेट किया गवर्नमेंट को और टेबल आउट करवा दी, जिसको इमीडिएटली हमें रक्षा मंत्री की नॉलेज में और सरकार की नॉलेज में हम लेके आए हैं और डेफिनेटली इस पर विचार होगा। अच्छा वकील महोदय, अभी इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे एक लेटर जो है इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया है जिसमें एक्स सर्विसमैन जो आवाज उठा रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे जो एक्स सर्विसमैन है जो भी भेदभाव का अपना बता रहे हैं आगे, उसको बंद कराने की बात की जा रही है, प्लेटफॉर्म को उसके ऊपर लीगल कार्रवाई करने की बात की जा रही है, इसको आप किस प्रकार से देखिए? आर्टिकल 21 बहुत क्लियर है और किसी भी परिस्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता। लेटर क्या है? कुछ नहीं है, somebody might have circulated it. इट इज एब्सोल्युटली वी कंडेम सच अ लेटर। क्या आप किसी की आवाज़ को दबा सकते हैं? आप मीडिया वाले हैं, आप मुझे बताएं, अनटिल अनलेस मैं एंटी नेशनल एक्टिविटी ना करूं, क्या मेरी आवाज़ को कोई दबाएगा? तो ये जवान जो यहाँ बैठे हुए हैं क्या ये गलत काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये अपनी मांगों के लिए यहाँ पर बैठे हैं और मांगों के साथ में उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। दे आर नॉट एब्यूजिंग एनीबडी, एंटी गवर्नमेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी थोड़ी कर रहे हैं। कैसे हमारी आवाज़ को दबाया जा सकता है? हमारे पर केस करके दिखाए कोई आ जा रहा है कि इंडियन आर्मी के अंदर की बातें ये बाहर फैलाई जा रही है और कुरीतियों की तरफ रिप्रेजेंट करी जा रही है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे बटमैन को दिखाया गया है, बिल्कुल बटमैन तो बिल्कुल सर वो तो सार्वजनिक है, संसद में ये उठ चुका है मुद्दा, क्या बटमैन प्रथा नहीं हो रही है आर्मी में? कितनी बार ये मुद्दा हमारे सांसद लोगों ने उठाया है, इसके ऊपर चर्चा हुई है सदन में, ये कहाँ सीक्रेट है, कौन सा गलत है? अगर मैं ये कह रहा हूँ बटमैन प्रथा आज भी लागू आर्मी में है बड्डे के नाम पर, तो वो है। आए कोई आदमी मीटिंग पे बैठे हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे, आए हम बताएंगे कहाँ पर ये हो रहा है कहाँ पर यहाँ नहीं हो रहा है। जवानों की आवाज़ दबा दी जाती है, हम वही तो कह रहे हैं कि ये बंद होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 21 कहाँ से आ गया? एक गलत प्रथा चल रही है, हम उसको अपोज कर रहे हैं, सभी जवान उसको अपोज कर रहे हैं, दैट्स इट। आए कोई आदमी मुझे अरेस्ट करे, मैं देखता हूँ फिर मुझे कौन अरेस्ट करेगा, मेरा आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 कौन छीन सकता है मेरे से? यादव जी, जुलाई में होने वाले तमाम कार्यक्रमों की क्या तैयारी है? जी जैसा कि वकील साहब ने बताया, अभी 2 तारीख को हमारी सभी पूरे देश में DM और DC के यहाँ पे जिला मुख्यालयों में हम भूख हड़ताल करेंगे 1 दिन के लिए। उसके बाद दूसरे सप्ताह से 15 तारीख से 22 तारीख के बाद जितने भी सांसद हैं जिसको हमने ज्ञापन दिया ऑलरेडी 30 अप्रैल को ज्ञापन दिया है, तो हम उनसे पूछेंगे अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा है आपने हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हमें उम्मीद है कि सेशन शुरू होते आवाज़ उठाएंगे, अगर नहीं उठाई तो उनको फिर जाके हम दोबारा से बताएंगे आप हमारे क्षेत्र से हमारे सैनिकों की पूर्व सैनिकों की मांग क्यों नहीं उठा रहे। तो हमें उम्मीद है वो मानसून सत्र में आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और उसके पश्चात हम 23 को जुलाई को यहाँ पे फिर धरने पे और फिर प्रदर्शन करेंगे और आगे की रणनीति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो जैसे डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब आप लोगों की जो तैयारियां हैं वो पूरी जो पूरी है जी, यहाँ सांकेतिक हमें जितना परमिशन दिया गया उसके हिसाब से हम बिल्कुल डिसिप्लिन अनुशासन से और लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। हमारा कोई भी प्रदर्शन देशद्रोही ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हम कोई ऐसा सवाल उठाते जो देश की जिससे हमें गरिमा नीचे हो और हमारे जवानों की जो आत्म सम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे। जो अगर पूर्व सैनिकों के साथ सरकार ये कर रही है तो जो सेना में जो बच्चे वो हमारे ही हैं उनके पास भी प्रभाव जा रहा है। अगर हमारे जो रिटायर हुए उनकी नहीं सुने जा रहे तो आगे हम भी रिटायर होंगे, तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर जो भेदभाव है ORP 1 का कुछ हद तक ठीक थी, 2 में ये जो भेदभाव किए गए हैं
और जो ऑनरी कैप्टन की इनकी तो पेंशन बल्कि कम कर दी गई, ठीक है पे प्रोटेक्शन है पर बेसिक कम कर दी गई, आगे इसका फिर प्रभाव पड़ेगा। तो हमें है कि सरकार इसके लिए समिति बनाए और जो भी हो न्यायोचित हो हमारा भी उसमें पक्ष रखा जाए, हमारे भी जो रिप्रेजेंटेटिव उनको बुलाया जाए, खाली अधिकारियों की उनकी ना सुनी जाए, जवानों की रिप्रेजेंट 97% जवान है, 3% अधिकारी हैं, अगर कोई भी फंड है तो 80-85% 3% लोग खा रहे हैं और बाकी 15-20% में 97% हम लोग बैठे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है क्वालिफिकेशन जो है सबका है जो भर्ती हो गया, पर रिटायरमेंट के बाद दे आर वेटरन्स और सबको सम्मानित जिंदगी मिले। हमारे भी परिवार है जो जवान की अगर रिटायरमेंट के बाद डेथ हो जाती है उसकी विधवाई पेंशन आधी कर दी जाती है, अगर उसकी पेंशन 20,000 थी आज 10,000 में कैसे गुजारा करेगा, बच्चों को भी पढ़ाना है। जवान 35-38 साल में आ जाता है, सिपाही नायक हौलदार से आ जाता है, वो आगे उसको अपने बच्चे पढ़ाने हैं तो उसका कैसे गुजारा होगा अगर उसकी वीडियो है वहाँ पे। तो अच्छा अब से लगभग एक महीने बाद 23 जुलाई को आप लोग जंतर मंतर पर काफ़ी आप लोग ऐसा वो कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ पर आएंगे, ये कॉल कहीं ना कहीं उस जो 6 तारीख की कॉल वॉइस ऑफ एक्स सर्विस मैन की तरफ से दी गई है उसको कमजोर करने के लिए ये कॉल तो नहीं है आपकी तरफ से? जी जितने भी संगठन हैं उनका गोल एक है, ठीक है तरीका अलग अलग हो सकता है पर सबका हमारा गोल है कि हमें जो और विसंगतियाँ हैं उनको दूर करें और जो भी भाई पूरे देश में जहाँ भी जुटे हैं अपने लेवल पर जो भी कर रहे हैं हम उनसे उनका हमारा पूरा उनकी तरफ से शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करेंगे सभी अपना दबाव बनाएं और सरकार को इस पे मजबूर करें कि हमारी जो मांगे पूरी करें। आपने परमिशन के लिए जो यहाँ पर जैसे जंतर मंतर पर जब कभी भी धरना होता है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है? ली जाती है। अभी आप लोगों को एक लिमिटेड संख्या में परमिशन मिली हुई है? जी। तो क्या जब आप इतने बड़ी संख्या में जब जाएंगे तो आपने परमिशन के लिए डाला है? उसके लिए हमारे फिर आप लोग डालने वाले हैं? हमारी लीगल टीम है ऑलरेडी कार्य कर रही है और जो भी विभाग है गवर्नमेंट के पुलिस हो प्रशासन हो ट्रैफिक पुलिस हो और गवर्नमेंट के वहाँ से परमिशन लेके ही हम करते हैं, बिना परमिशन के कोई कार्य नहीं करते। वैष्णव सर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? तो इन्फॉर्मेशन तो 23rd बहुत दूर है और हम उससे पहले अपने विधिवत रूप से जो परमिशन है जितने भी हमारे लोग इकट्ठे होंगे जितनी हमें एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से हम परमिशन लेंगे विधिवत रूप से, जैसे हमने पहले ली हुई है, पहले भी हमने कई बड़ी रैली की है उसी हिसाब से हम लेने वाले हैं, परमिशन लेने के बाद ही हम अगला स्टेप उठाएंगे। अच्छा राठी जी बागपत से आप आते हैं, बागपत में क्या हाल चाल चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है, बंदे डेली आ रहे हैं, पिलाना ब्लॉक भी आया था, छपरौली ब्लॉक आया था, उससे पहले खेड़ा ब्लॉक आया था, अभी बिनौली ब्लॉक आया है। तैयारियां पूरी जोरों पर? तैयारियां तो जैसे आप लोग 2 जुलाई को अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भूख हड़ताल करने वाले हैं, उसके बाद में एक आपका जो डिस्ट्रिक्ट में ही जो आपका एक कार्यक्रम है जिसमें कि आप लोग जो है काफ़ी संख्या में इकट्ठे होंगे 26 तारीख को है, और फिर आप लोगों का है एक जिसमें कि जो सांसद महोदय हैं जिनको आपने ज्ञापन सौंपा था उन्हें आप जाकर दोबारा से बताएंगे कि सब संसद का सत्र आने वाला है आप हमारी मांगें उठाइए, क्या सांसद महोदय ने आपकी बात पहली बार में उतना आपका जो एक बोलते हैं उसे कि अच्छे से आप लोग अपनी बात को नहीं सुना पाए सांसद महोदय, क्या आपको दोबारा से बताना पड़ रहा है? नहीं हमने अच्छी तरह सुना पाए, हमारे सांसद ने आगे कहा भी है, सब कुछ हमें फीडबैक मिल गया है, हमारे को लेटर मिल गया है, लेकिन ये तो बार बार करना पड़ता है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी 1 साल 2 साल 6 साल जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम देते रहेंगे कार्रवाई करते रहेंगे। सतपाल साहब ने क्या बोला आपसे? सतपाल साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने जाके बताया मैं हमारी साथ है, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के हैं। वो खुद एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, जब आप लोग उनके पास गए तो उन्होंने क्या बोला? पुलिस अधिकारी थे बाद में, अभी हमारे सांसद है। हाँ। पहले उन्होंने क्या किया हमने क्या किया इससे हमारे को लेना देना, अभी हमारे सांसद है हमारे प्रतिनिधि है, जैसे हमने किया उन्होंने ऐसा उनको। नॉट ओनली सतपाल साहब, जिन जिन सांसदों से हमारे प्रतिनिधि मिले हैं बहुत अच्छा रेस्पॉन्स सभी सांसद ने अक्रॉस फ्रॉम द पार्टीज, उन्होंने ये कहा है कि हम आपका जो मुद्दा है इसको आने वाले सत्र में जरूर उठाएंगे और हमें पूरा विश्वास है अपने सभी सांसदों से कि हमारे मुद्दे को संसद में जो आने वाला सत्र है उसमें ये उठाएंगे, इसीलिए हम उनको रिमाइंड करने जा रहे हैं कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया है हमारी मांग आगे नहीं भेजी है तो भेजिए, भेज दिए बहुत अच्छा है और आने वाले सत्र में हमारी मांगों को अब संसद में जोर शोर से उठाइए ताकि सरकार एक कमेटी बनाए और जो हमारी विसंगतियां हैं।